हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमने कुछ पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने मून के बारे में बात किया था। तो उसमें हमने ये कहा था कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब ये कि एक दूसरे की आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते, एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए और वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई मीडियम नहीं है साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए। तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट गए, उनकी जो सूट में रेडियो सेट लगा होता था, और उस रेडियो वो रेडियो सेट जो होता था वो साउंड वेव को रेडियो वेव में बदल देता था, और रेडियो वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो वो लोग इस तरह से एक दूसरे की आवाजें, एक दूसरे की बातें सुनते थे, साउंड वेव से वो लोग आवाजें नहीं सुन सकते। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजय कुमार, काफी दिन बाद उन्होंने कमेंट किया है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर वहां पर एयरफोन यूज किया जाए तो क्या उससे आवाज सुनी जा सकती है, उससे बातें एक दूसरे की सुनी जा सकती हैं, मतलब उससे साउंड वेव ट्रेवल कर सकता है। तो ये जो एयरफोन होते हैं, ये एयरफोन से जो साउंड निकलता है, तो उस साउंड को ट्रेवल करने के लिए तो कोई ना कोई एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर एक, ये मान लिया जाए कि एक ये आप एयरफोन ही मान लेते हैं, और यहां पर मान लेते हैं किसी का एयर है, कान है ये। तो इसको जब हम यहां पर, इससे कोई साउंड निकलेगा तो उसको यहां तक ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर ही मीडियम यहां पर बनता है अर्थ पर, तो एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब ये कि कोई मीडियम चाहिए। तो कोई मीडियम चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए, और अगर इसके बीच में कोई मीडियम नहीं होगा तो फिर ये यहां तक नहीं ट्रेवल कर पाएगा, ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, ये जो साउंड वेव है। अब आपका कहने का मतलब ये है कि इसको हम यहां पर लाएं और बिल्कुल यहीं पर इसको, जाहिर सी बात है एयरफोन हम यहां पर लगा दे, मतलब हमारे एयर में लगा होता है, हमारे कान में लगा होता है यहां पर बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है यहां पर आप कान में लगा देंगे तो ये तो एक फिजिकल चीज है, जो साउंड वेव निकलेंगे वो तो कोई फिजिकल चीज नहीं है। आपने इस फिजिकल चीज को, मतलब ये कि इस स्पीकर को अपने कान के पास बिल्कुल लगा दिया, लेकिन इस स्पीकर से जो साउंड वेव निकलेंगी, तो साउंड वेव जब बाहर निकले तो उसको ट्रेवल करने के लिए, उसको चलने के लिए, उसको यहाँ जो कान का पर्दा है जहां तक उसको पहुंचने पर उसको आवाज सुनाई देगी, वहां तक जाने के लिए तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए ना। आपने इस स्पीकर को कान के नजदीक कर लिया, तो स्पीकर को कान के नजदीक कर लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये होगा कि आपके नजदीक हो गया, आप जो साउंड वेव है उसको यहां से यहां तक ना ट्रेवल करने के बजाय यहीं से यहीं तक ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उसके लिए चाहिए तो कोई मीडियम जरूर ना, बगैर मीडियम के कैसे होगा। जैसे इसको आप ऐसे समझे कि एक प्लग है, एक इलेक्ट्रिक वाला ये प्लग है, और यहां पर मान लिया जाए कि एक बल्ब है, ये मान लेते हैं कि एक बल्ब है। अब इस बल्ब से यहां तक जो करंट है इसका, इस करंट को यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए ना। इसमें करंट है तो इस करंट को यहां तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो इस मीडियम को हम क्या करते हैं, इस मीडियम से हम यहां पर वायर ले जाते हैं और ये वायर यहां मीडियम बनता है। तो इसके लिए ये है कि अगर मान लिया जाए कि इस प्लग को आप इसके बिल्कुल पास में कर दें, यहां पर बना दें, इस प्लग को बिल्कुल आप इसके पास में कर दें, तो ऐसा तो है नहीं कि बगैर इसको, इस मीडियम को इस मीडियम से जोड़े हुए, मतलब ये कि इसके बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है तो इसमें करंट तो नहीं आएगा ना। इसको आपको कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा, आप चाहे पास में रखें चाहे दूर में रखें, आप पास में रखेंगे तो भी इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसमें एक जो करंट है इसको बहने के लिए आपके पास जो मीडियम है वो आपको दिखाई देता है, वो एक फिजिकल सी चीज है, एक वायर है या कोई लोहे का तार है या कोई भी चीज है, कोई आयरन है या कोई जो जिसमें भी जो करंट बह सकता है, तो उसको आपने लगाया और आपने देखा कि यहां से यहां तक आपके पास मीडियम है। लेकिन यहां पर ये मीडियम आपको दिखाई नहीं देता, तो ये आप इसको पास में जो लाने को कह रहे हैं, तो आप इसको अगर पास में लेके आएंगे तो ये जो एयरफोन होगा ये तो फिजिकल सी चीज है, आप ये स्पीकर है, आप स्पीकर को इसके पास में ले आए जैसे कि आप इस प्लग को इसके पास में ले आए, लेकिन इससे जो साउंड वेव निकलेंगी उनको ट्रेवल करने के लिए, जो कान के पर्दे हैं उनको तक पहुंचने के लिए, तो आपको फिर भी मीडियम ही की जरूरत होगी, बगैर मीडियम के वो कैसे पहुंचेगा। आप इसको टच करा देंगे, स्पीकर को टच करा देंगे, ये स्पीकर है ना कि साउंड है, तो ये स्पीकर है ना कि साउंड वेव है, ये साउंड वेव तो है नहीं। तो आपने स्पीकर को अगर टच भी करा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको सुनना तो साउंड वेव है ना, और साउंड वेव सुनने के लिए आपको किसी मीडियम की जरूरत होगी। तो अगर आप एयरफोन ले भी जाते हैं तो एयरफोन को आप कितना भी ऊंची आवाज में, कितना भी लाउड कर देंगे आप, उससे जो जो साउंड वेव निकले वो उन साउंड वेव को तो बहरहाल
ट्रेवल करना पड़ेगा ना, स्पीकर आपके कान के नजदीक आ गया ना, कि साउंड वेव भी उसमें बगैर साउंड वेव के लिए भी कोई मीडियम मिल गया। तो यहां पर अगर आप एयरफोन ले भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियम तो चाहिए, बगैर मीडियम के आप उसको स्पीकर अपने कान के नजदीक कर लेंगे और कोई मीडियम नहीं है तो उससे फिर आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगी। जैसे हम लोग कभी ये होता है कि ये अर्थ है और यहां तक मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है, तो प्लेन जो हवाई जहाज होता है वो अगर ऊपर यहाँ एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाए तो हम उसके प्लेन है, अगर प्लेन यहाँ एटमॉस्फेयर के ऊपर होगा तो इस प्लेन की आवाज जो होगी वो हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये यहाँ पर अब यहाँ से एटमॉस्फेयर से दूर है और साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए यहाँ तक हमें सुनाई देने के लिए ये अर्थ है, और ये मान लिया जाए ये अर्थ का जो बाहर से एटमॉस्फेयर वाला एरिया है और इसके ऊपर अगर प्लेन निकल जाए तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर चूंकि इसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा है, तो मीडियम नहीं मिल रहा है तो ये साउंड वेव इसमें ट्रेवल नहीं कर सकेंगी और इस प्लेन की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। यही प्लेन अगर यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा तब इसको साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम मिल जाएगी और तब ये आवाज हमें सुनाई देगी। तो ये जो साउंड वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए और मीडियम के बगैर वो सुनाई नहीं देगा। आप उस अगर स्पीकर को पास में भी ले आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्पीकर आपके पास में आ जाएगा, वो एक फिजिकल सी चीज आपके पास में आ जाएगी, ना कि साउंड वेव का उस पर कोई असर पड़ेगा कि साउंड वेव आपके उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम मिल गया। तो ऐसा नहीं है, अगर एयरफोन भी लेकर के जाए वहां पर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आवाज सुनाई नहीं देगी और वहां पर इसीलिए साउंड वेव की जगह रेडियो वेव उसके थ्रू आवाज सुनी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।